हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप भी अच्छे होंगे आशा है। और देखिए, आज बारिश हो रही है बहुत। 1-2 महीने बाद जाड़ों के सीजन में इस बार बिल्कुल बारिश नहीं हुई और आज बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो बारिश में तो होना ही था, क्योंकि जब भी बच्चों के स्कूल खुलते हैं या बोर्ड के पेपर होते हैं तो भयंकर बारिश होती है। तब तो आज भी हो गई है और इसने अपना शगुन तो पूरा करना ही था बच्चों के लिए। और ज्यादा ठंड बढ़ गई है और अभी भी बारिश की कुछ बूंदें पड़ रही हैं और मेरे कैमरे पे भी पड़ रही हैं। और अभी सुबह जो थी जरा तेज बारिश हुई थी, अब लेकिन कम हो चुकी है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं चलती हूँ अंदर की ओर। और आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि तेजस को जाना है और तेजस के लिए हमने नाश्ता बनाना था। तो तेजस आज जाएंगे, उनके लिए हमने नाश्ता रेडी कर दिया है और चलते हैं। अभी उनको उठाते हैं और उनको नाश्ता करवाते हैं। ठीक तो वीडियो ठीक कर रहे हैं नहीं? क्या? ये पहन तो यार चल और रही मेरा तेजस आज जा रहा है और मुझे बहुत बच्चा जाके फोन करना। अरे गाल दे, मैं तो छोटी हो गई। हाँ मेरे बच्चा फोन करना। हाँ मेरा बच्चा कब आएगा? होली में आएगा। चल जाओ फिर। हाँ ज्यादा इमोशनल नहीं होते ना। होली में मुड़े रहना। हाँ अपने घर फोन करते रहना बेटा। हाँ फोन करते रहना, अभी पहुंच जाएगा। तो तेजस के पापा जा रहे हैं तेजस को छोड़ने, और अभी वो स्टेशन तक छोड़ के आएंगे, उसे बस में बैठा के आएंगे। और जब तेजस पहली पहली बार गया था तो मैं रात को ढैं ढैं रो रही थी। अब मुझे थोड़ी आदत पड़ गई है। बच्चे जाते हैं तो बुरा तो लगता ही है यार। बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं लेकिन हम उन्हें बच्चा ही समझते। चलो बाय। वो मिठाई वगैरह ले आना वहां से। माँ क्या कर रही है आज? ये क्या कर रहे हो तुम? लहसुन छिल्ले जम गया है सब। सारा जम गया। मैंने कहा ये छिल के पीस के फ्रिज में रख देती है। तो ये तो छिलने में रात हो जाएगी पूरा। जो भी होगा फिर आप देखी जाएगी। अभी इसको ऐसे ऐसे छिलो। मैंने एक ट्रिक सीख रखी है यूट्यूब से कि कहते हैं मिनटों में छिल जाएगा बस तुम्हारा लहसुन। तो देखते हैं होता है नहीं होता है। हाँ अभी देखते हैं। हाँ उसके लिए दो चीज चाहिए। एक बोतल चाहिए हमको और एक चाहिए चने, सफ़ेद वाले चने चाहिए। अब लेकिन होगा नहीं होगा देखते हैं। हाँ ये है बोतल, ले ये है चने। अब ये ऐसा करना है हमको, एक बोतल में डालना है लहसुन। अब मैं लहसुन भर देती हूँ इसमें। देखते हैं आज ट्रिक काम करती है। मिनटों में छिलो बल 1 किलो लहसुन। अब कितना छिलता है देखते हैं हमारा लहसुन। हाँ ये सब इसके अंदर घुसाना पड़ेगा हमको। ये तो बड़ी हम पहले होए तो सही, जब होए नहीं होए क्या पता, तब लगेगा कि सही हो रहा नहीं हो रहा। ये अब रोक दो थोड़ी देर, ये भरने तक देर हो जाएगी। 1 मिनट में छिले वाला तो सब बेकार हो गया, खाली 5 मिनट में बोतल भरने में लग गए हैं मेरे को। अब इसमें मैंने डालने हैं ये चने के दाने। हाँ मैं चने के दाने डाल दूँ बड़े वाले। ये अब इसको हिलाना है बल ऐसे ऐसे। अभी कितनी देर तक खिलाना पड़ेगा देखना पड़ेगा। देखा मेरा हाथ थक गया है, एक भी लहसुन नहीं छिला। अब थोड़ी देर तू खेल कर इससे।
अब इनको देख, क्या पता आदमियों के हाथ से छिल जाए। और जोर से, और जोर से। तो गाइस हम मतलब लगभग 15 मिनट से लहसुन छिल रहे हैं, पूरे घर वाले लगे पड़े हैं इसके पीछे। आप भी देखते हैं, हाँ इसका रिजल्ट। हाँ निकालो तो, बड़ा कटोरा था पीछे। अब इसमें लहसुन अटक गए। ये तो और काम बढ़ गया हमारा एक मिनट के बजाय। अब हमको बोतल काट के निकालने पड़ेंगे लहसुन। और ये आपको दिखा देती हूँ जूम करके कि एक दो, रुको ना थोड़ी देर। हाँ ये देखो, एक दो लहसुन भी नहीं छिले हैं भाई, एक लहसुन छिला है। खाली अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये यूट्यूब में पता नहीं कौन सी औरतें हैं जो ऐसा ऐसा वीडियो बना के डाल दे रही है, हमको दिखा रही हैं और एक मिनट में छिल जा रहा। हमारा तो कुछ नहीं छिला। ये ट्रिक तो फेल हो गई। अभी मैंने एक ट्रिक और सीखी है, वो भी बताऊंगी अभी मैं थोड़ी देर में। और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू। और तू को मैं हाथ लगा छिल दी थी तक। इससे जल्दी तो हम हाथ से छिल लेते है ना। मतलब कुछ भी वीडियो बना के डालनी ही डालनी है लोगों ने। अच्छा तो पानी में भिगा के छिल जाता है जल्दी। गाइस इस ट्रिक को कोई ना अपनाए क्योंकि इससे कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं छिला जा रहा लहसुन। क्या कर रही है ये कढ़ाई में तू? अरे यार ये कढ़ाई देख, क्योंकि गंदी हो रही, साफ ही नहीं हो रही ना, तो मैंने यूट्यूब में देखा कोलगेट से साफ करते हुए। अब मैं थोड़ा कोलगेट डाल के कर रही हूँ इसको साफ। होती नहीं होती, चमकती नहीं चमकती। ये खाली बताते हैं यूट्यूब में या सही होता है। अच्छा चेक करती जरा, ऐसे ऐसे लगा लो घर को कोलगेट को। किसने बताया तेरे को ये? यूट्यूब में देखा मैंने। अच्छा तो अब देखती हूँ। हाँ मैं सही में साफ होती है नहीं होती है, अच्छे से दिखा दे पहले कितनी काली है। हाँ हाँ गलती से काली हो रही। गलती से साफ हो गई तो लोग कहेंगे साफ ही कढ़ाई तो थी। तो देखो यूट्यूब में डाल रखा था, देख के कोई ना कोई चीज तो सीखनी ही चाहिए ना। अब देखती हूँ मैं क्या मेरी कढ़ाई साफ होती है नहीं होती। मैंने सारे में लगा दिया है, थोड़ा पीला पीला तो दिख रहा है यार ये सब है। अगर वो तो कह रहे थे फॉइल पेपर से घिसना, लेकिन मैं इससे घिस रही हूँ स्क्रबर से। अभी देखते हैं थोड़ी देर में साफ होता नहीं होगा। पीला पीला तो निकल रहा है जी, अब कितनी चमकेगी ये नहीं पता। हो जाएगी होगी। फॉइल पेपर होता था और जल्दी साफ होती, वो तो फॉइल पेपर से घिस रहे थे ना। बहुत निकल रहा है पीला पीला, ये निकल रहा है, इतना गंदा निकल रहा है। अगर इसको मैं थोड़ी देर छोड़ दूँ तो और अच्छा निकलेगा, पूरा पेस्ट इसी में खत्म हो जाएगा। बार बार मैं लगाऊंगी तो इसमें, लेकिन निकल रहा है। ये मेहना पेस्ट तो समय ही खत्म कर दो। ये हो ही नहीं रही, कितनी साफ कर दी हमने ये कढ़ाई इसमें, जबकि हमने इसमें नींबू का अचार भी पकाया था ना, इसको साफ हो जाना चाहिए नींबू से। लेकिन ये फिर भी साफ नहीं हुई। चलो अब देखते हैं कितनी साफ हो रही है। अब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी मुझे, रगड़ने पड़ेगी इसको। निकल रहा है लेकिन इससे बहुत गंदा। तो गाइस आधा घंटा रगड़ने के बाद और आधा कोलगेट खर्च करने के बाद ये है मेरी कढ़ाई का रिजल्ट। कढ़ाई जैसी थी वैसी की वैसी है, थोड़ी सी साफ हुई है। और अच्छा तो हम 10 दिन पेस्ट कर लेते इससे, तो अपना पेस्ट वेस्ट ना करें। और ये कढ़ाई तो साफ़ हुई नहीं हमारी, YouTube में देखकर मैंने सीखा था लेकिन हुआ नहीं है, तो काम की नहीं है ये ट्रिक। तो मैंने तो सोचा था आज मेरी कढ़ाई चमक जाएगी। चलो अब मैं दूसरी चीज़ ला रही हूँ कढ़ाई चमकाने के लिए, ये है रेगमाल। अब मैं इससे कढ़ाई चमकाऊँगी। तो देखो ये रेगमाल ले आई हूँ मैं, इससे कढ़ाई चमका रही हूँ।
तो 5 मिनट रेगमाल से कढ़ाई रगड़ने के बाद मेरी कढ़ाई चमक गई है और मैं एक बार और रगड़ूंगी, दो बार, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो जब मैं कोलगेट से साफ़ कर रही थी तो मेरी पड़ोसन ने मुझे देख लिया था, तो उन्होंने कहा लो रेगमाल से साफ करो, एकदम साफ़ हो जाती है। तो यार यूट्यूब के वीडियो पर ज़्यादा विश्वास न करें, अपने पड़ोसियों पर ज़्यादा विश्वास करें। तो ये देखो हमारी कढ़ाई थोड़ा चमक ही गई है पहले से, और अभी एक बार और करेंगे इसको साफ तो हो जाएगी। सुनो क्या खाओगे आज, क्या बनाऊं खाने में? जो बनाते हो आज बहुत खा रखा मेरे लिए तो, लेकिन लाइट खाना बनाना। लाइट? अच्छा लो, उबाल के बनाओ या काट के बनाओ? जैसे लाइट बनाओ, लाइट उबाल के बनाओ या काट के। तो दोस्तों ये तो थी हंसी मजाक की बात, और तो दोस्तों आज का दिन हमारा ऐसे ही बीता YouTube की ट्रिक अपनाते हुए। दोनों ट्रिक जो थी वो नाकाम हुई, और मैं तो आपसे विश्वास नहीं करूंगी ऐसी ट्रिक में। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।